हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हरविंदर है और मेरे यूट्यूब चैनल जो कि है बेस्ट फीचर के नाम से, आप सभी का मोस्ट वेलकम। फ्रेंड, जो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है सैमसंग न्योक्यूलेड 8K टीवी के ऊपर। न्योक्यूलेड 8K टीवी के अंदर आपको जो कि आजकल सैमसंग हाईलाइट किया जा रहा है कंपनी की तरफ से, 100 मिलियन लाइट इन एवरी डिटेल। मतलब कि ये 100 मिलियन लाइट है क्या और ये किस तरह से काम करेगी, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड, जो ये 100 मिलियन लाइट है, आप देखिए नॉर्मली 100 मिलियन लाइट ये कैसे बनी है। तो फ्रेंड, एक सिंपल सा है कि किसी भी टीवी के अंदर जो कलर का कॉम्बिनेशन होता है वो होता है RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन तीनों कलरों को मिला के आपकी पिक्चर क्वालिटी बनती है। तो आप कैसे देख पाओगे कि किस टीवी के अंदर आपको RGB कलर मिलेंगे, किस में नहीं? तो सिंपल सा तरीका है फ्रेंड, अपना फ़ोन लीजिए, फ़ोन का कैमरा ऑन कीजिए और कोई भी वाइट पर्थ किसी भी टीवी के अंदर आप इस तरह से जूम करके, मैक्सिमम जूम करना है, फोकस करना है उसको और फोटो क्लिक कीजिए। अब देखिए फ्रेंड, ये थोड़ा सा धुंधला आया तो आपने ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने इसे कैमरे से कैप्चर किया तो ये इसके पिक्सल्स हो गए, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब रेड, ग्रीन एंड ब्लू, वैसे तो 8K टीवी के अंदर आपको 33 मिलियन पिक्सल मिलते हैं, पर ये 100 मिलियन लाइट कैसे बनी है? आपका इसमें 33 मिलियन रेड के अंदर, 33 मिलियन आपको ब्लू के अंदर और 33 मिलियन ग्रीन के अंदर, इन तीनों को मिला के आपको 100 मिलियन कलर जो लाइट के साथ ये प्रोड्यूस करता है टीवी, उसके अंदर आपको ये मिलेगा। जो कि न्योक्यूलेड 8K सैमसंग की तरफ से एक बेहतरीन टीवी है, जिसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि आप रियल लाइफ में कुछ पिक्चर क्वालिटी को एंजॉय कर रहे हो। तो फ्रेंड, मेरा जो आज का मकसद था इस टीवी के ऊपर, जो आपको मेन बताने का, अब देखिए फ्रेंड, 100 मिलियन लाइट आपको 8K के अंदर ही मिलेगा, पर अब RGB कलर किसी के अंदर आपको ब्लू की जगह वाइट भी मिल जाता है, कईयों की जगह रेड की जगह वाइट मिल जाता है, आप किस तरह से देख पाओगे तो मैं इस वीडियो में वो भी बता देता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, आप कभी भी 4K टीवी लेते हो, प्लीज़ आप ये ज़रूर देखना कि आप जो टीवी ले रहे हो उसके अंदर ट्रू RGB कलर हैं। अगर RGB कलर हैं तो आपको डिटेल अच्छे से मिलेगी। इसी तरह से सेम करना है आपने प्रोसेस, एक वाइट सोर्स ले लीजिए, प्योर वाइट, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने लिया, और उसको कैमरे से मैक्सिमम जूम कीजिए, इस पर फोकस करके और इसको मैक्सिमम जूम कीजिए। जैसे ही मैक्सिमम जूम करोगे आप, और इसकी फोटो कैप्चर कीजिए, तो उसके बाद आपको रेड, ग्रीन एंड ब्लू ये पिक्सल्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड, कैसे लगी आपको ये मेरी वीडियो? और ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।